नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमने जो मुहिम स्टार्ट की थी कि इस बार भारत में बिना परीक्षा पास किया जाएगा, उसी कड़ी में एक राज्य और जुड़ चुका है, लेकिन इस राज्य ने और ज़्यादा बड़ा कदम उठाया है। कक्षा दसवीं की परीक्षाएं नहीं लेगा। साथियों, हरियाणा के अंदर कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी, यानी जो परीक्षाएं पहले दसवीं की हो चुकी है उन्हीं के आधार पर पास किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आप अपने राज्य से जुड़ी हर बोर्ड परीक्षा की खबर चाहते हैं, तो इस चैनल के लाल बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें। हम देंगे आपको आपके राज्य से जुड़ी हर परीक्षा की सटीक जानकारी। मित्रों, अब बात करते हैं विस्तार से। साथियों, आप यहां तारीख देख सकते हैं, अप्रैल 7, मतलब आज ही के दिन लिया गया फैसला है। हरियाणा बोर्ड ने कहा है कि दसवीं में एक पेपर बच गया था साइंस का, अब उसे नहीं लिया जाएगा। अब जो बाकी पेपर हो चुके हैं पहले, उन्हीं के आधार पर डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा 11वीं कक्षा के अंदर। साथियों, ये जो फैसला लिया गया है ये सभी राज्यों पर इम्पैक्ट करेगा, एक आगे का रास्ता तय करेगा सभी राज्यों के लिए कि हरियाणा बोर्ड का यह फैसला अनुसरण करे। साथियों, राजस्थान के अंदर भी अभी दसवीं के पेपर बाकी हैं, अन्य कई राज्य हैं जहां पर दसवीं के पेपर बाकी हैं, तो वहां ऐसा देखने को मिल सकता है। साथियों, बात करते हैं विस्तार से, तो ये स्वयं मनोहर लाल जी खट्टर यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वीडियो जारी करके कहा है कि HBSC यानी हरियाणा का बोर्ड है, उनके दसवीं और विज्ञान की परीक्षा बाकी थी, अब वो नहीं होगी। दसवीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट उन्हीं विषयों के आधार पर जारी किया जाएगा जिनके एग्जाम स्टूडेंट पहले ही दे चुके हैं। साथियों, आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य बोर्ड की कक्षा दसवीं के लिए विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, तो अब इसकी परीक्षा ना करके डायरेक्ट ही प्रमोशन मिलेगा। साथियों, इसी के साथ उन्होंने एक बात और दोहराई है, कक्षा नौवीं की परीक्षा भी नहीं होगी। साथियों, मैंने कहा था ना CBSE के तहत सभी राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं, आज हरियाणा ने किया है, कल आपका राज्य करेगा और उसकी खबर मैं इस चैनल पर देता रहूंगा। साथियों, मैं जैसे कोई खबर आएगी उसके 10 मिनट के अंदर ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कक्षा नौवीं का परिणाम भी इसी सप्ते घोषित कर देगा, और वो किसके आधार पर करेगा, जो कि उसके अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके आधार पर उन्हें कक्षा दसवीं में भेज देगा। लेकिन कक्षा बारहवीं के लिए अभी उन्होंने वेट किया है, कक्षा बारहवीं की परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा है इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि NCERT के अनुरूप ही फैसला किया जाएगा। साथियों, CBSE के अनुरूप ही फैसला किया जाएगा। अब तो आप यकीन करने लगे हैं ना कि CBSE ने जो फैसला लिया है उसी के अनुरूप सभी राज्य चलेंगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।